लाइसेंस ले रखे हमने, लाइसेंस सेपरेटली से पूरा कंप्लीट करके हमने रिवाइज नक्शा, हां रिवाइज नक्शा की बात कर रहा हूं, कंपोजिशन फीस की बात कर रहा हूं। तो आपने कंपोजिशन फीस नहीं भर रखी जो आपने जिस हिसाब से, मैं तो मसाज का काम है उसका काम तो बिल्डिंग तो है जी, बिल्डिंग है, बिल्डिंग हाउस का चीज है। तो आप कंपनी साहब से बात करिए, तो आओ चलो आ जाओ आ जाओ, आईडी 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 सर आपका परिचय? मैं अशोक कुमार जोनल टैक्स ऑफिसर हूं अपने नगर निगम में। सर आज कुछ होटल्स पर आपके द्वारा कार्यवाही की गई है, किसके तहत की गई है? हाँ जी मैडम, अभी तक हम 9 होटल हमने सील किए हैं और इन सब का जो है बिल्डिंग प्लान अप्रूवल का था, किसी जो प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है उसके लिए रिवाइज बिल्डिंग प्लान इन्होंने नहीं करवाया है उसका, और इनके कुछ चार्जेज और हैं जो बिल्डिंग ब्रांच से रिलेटेड हैं, उन सब का बकाया है इन लोगों का, तो उसके लिए हमने ये सब सील किया है। अराउंड कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होगा? अब प्रॉपर्टी टैक्स बकाया जो है एक वो सेपरेट था मैडम, तो वो हम लोग इनको नोटिस दे चुके हैं और दूसरे ऑफिसर्स के पास लिस्ट थी, मैं वो जो है वो लेकर निकल गए। अच्छा, तो इससे पहले इनको कोई नोटिस दिया गया था सील करने? हाँ नोटिस सभी को दिया गया है इनके लिए, बार बार इनको टाइम भी दिया है, वहाँ पे इनकी हियरिंग की गई है, खुद कमिश्नर साहब ने हियरिंग की है उस चीज़ को लेके, उसके बाद हमारा लास्ट ये है। इसके अलावा और भी कोई रेस्टोरेंट वगैरह पीजी? हमने पीजी किए हैं, 3 पीजी सील किए हैं, एक चौथा पीजी जो था उन्होंने ऑन द स्पॉट जो है 4,76,000 रुपये पेमेंट कर दिया, हमारे को चेक दे दिया, तो 4 पीजी हम लोगों ने अभी जो है सील के लिए गए थे। इसके अलावा ये हमारा रिलायंस माल है इधर, उसको जो है उसका हम सील करके आए हैं बेसमेंट, और वो एलेंट्रा माल है उसको भी जो उसका बेसमेंट हमने सील किया है। तो इसके तहत आगे भी कार्रवाई होती रहेगी? हाँ जी बिल्कुल रहेगी मैडम, जारी रहेगी। कब तक ये सील रहेंगे? जब तक ये हम लोग मतलब लोगों से यही अपील है कि आप अपना जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स जो बकाया है उसको पे करें,
अपना रिवाइज डेवलपमेंट जो प्लान है, बिल्डिंग प्लान है, वो उसके लिए अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सबमिट करें ऑफिस में। तो जब तक ये लोग प्रॉपर इसको नहीं करेंगे तब तक ये हमारा चालू रहेगा। अशोक जी, लोगों द्वारा कई बार ये भी कहा जाता है प्रॉपर्टी टैक्स जब भरने आते हैं नगर निगम में तो काफ़ी ज़्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ता है, कुछ सिस्टम नहीं चलते, आईडी में इशू आ जाता है कई बार, तो उस दौरान क्या आपके द्वारा सहायता मिलने की उम्मीद है? मैडम, ये सभी जो है चीज़ें कंप्यूटराइज की हैं गवर्नमेंट ने, तो एक ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा कई बार सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम रहती है और कई बार जो है नेटवर्किंग वगैरह का थोड़ा दिक्कत रहता है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी हम लोग मतलब 15 से 18 घंटे हम लोग खुद जो है उसके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं ताकि वो लोगों की दिक्कत ना रहे उस चीज़ को लेकर। एक एक आदमी का इंडिविजुअल में, हर एक आदमी का मैं खुद सुनता हूँ, जॉइंट कमिश्नर साहब सुनते हैं और कमिश्नर साहब जो है हर इंसान की प्रॉब्लम सुनते हैं, तो हमारा कोशिश है कि जो उनके जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाए और वो जल्दी से जल्दी करने का कार्रवाई करते हैं।